गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं बेंथम के उपयोगितावाद का तीसरा पार्ट, जिसमें आज हम जानेंगे कि बेंथम ने सुख और दुख को मात्रात्मक रूप से मापने के लिए एक जो आनंद मापक पद्धति बताई है, किस तरीके से सुख को हम नापेंगे, कैसे उसको हम जान पाएंगे कि किस घटना या किस कार्य में सुख की मात्रा ज्यादा है या कम है। तो उससे पूर्व वीडियो में हमने देखा था, उपयोगितावाद के बारे में हमने जाना था कि बेंथम का ये कहना है कि जीवन में केवल सुख और दुख दो ऐसे तत्व हैं जो व्यक्ति को जीवन भर प्रभावित करते हैं, और व्यक्ति हमेशा व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, वो कहता है कि व्यक्ति का मूल स्वभाव है वो सुख की प्राप्ति करना है। ठीक है, तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो मिल बताता है, बेंथम बताता है, वो बेंथम बताता है सुख दुख के स्रोतों के बारे में। सुख दुख के वो बताता है कि सुख दुख के कुछ स्रोत हैं, जिनमें से अपन पांच स्रोत जो उसने महत्वपूर्ण रूप से बताए हैं कि सुख और दुखों की उत्पत्ति किन कारणों से होती है, कहां से उनकी उत्पत्ति होती है। तो उसमें एक सुख वो बताता है प्राकृतिक, एक स्रोत बताता है प्राकृतिक, अर्थात जब प्रकृति की वजह से, मौसम की वजह से, प्राकृतिक घटनाओं की वजह से सुख और दुख है, अच्छा मौसम है, आपको सुख की अनुभूति हो रही है, बाढ़ आ गई या कहीं कोई और समस्याएं आ गई, कोई आपदाएं आ जाती है, प्राकृतिक आपदाएं आ गई, दुख का कारण बन जाती हैं, तो सुख और दुख का एक कारण तो है प्रकृति, प्राकृतिक जो नेचुरल जो चीजें हैं। दूसरा कारण वो बताता है राजनीति। राजनीति का मतलब है कि जिस व्यवस्था में आप रह रहे हैं, जिस शासन व्यवस्था में आप रह रहे हैं, वो कानून, नए नए नियम, नई नई नीतियों का निर्धारण वो करते हैं। ठीक है, तो जब वो नीतियों का जब वो निर्धारण करते हैं, तो उनमें कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनसे व्यक्ति को कुछ पीड़ा महसूस होती है, कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनसे व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, उसके सुख में वृद्धि होती है। तो कानून व्यक्ति या जो नियम है शासन द्वारा बनाए गए, ये भी सुख और दुख के एक बड़े कारण हैं। ठीक है, तो एक स्रोत वो बताता है कि राजनीतिक स्रोत। अगला जो स्रोत बताता है सुख और दुख का बेंथम, वो बताता है नैतिक। कि नैतिक में यह मूल स्रोत अपन माने कि हर व्यक्ति के अंदर एक अंतःकरण जो है, जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आप अंतःकरण से, आपका जो अंतःकरण है वो उसको पीड़ा पहुंच रही है या उसको सुख मिल रहा है, तो अंतःकरण भी सुख और दुख का बड़ा स्रोत है। यदि हम नैतिकता के अनुरूप कोई कार्य कर रहे हैं, जो आपने नैतिकता निर्धारित कर रखी है, उन नैतिकताओं के अनुरूप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको सुख की प्राप्ति हो रही है, और नैतिकताओं के विपरीत आप कोई काम करते हैं तो व्यक्ति को दुख की प्राप्ति होती है। जो भी नैतिकताएं उसने निर्धारित कर रखी है, जो भी नैतिकताएं समाज ने उसको बता रखी है, जो भी उसके मानसिकता में जो नैतिकताएं उसने डिसाइड कर रखी है, तो उनके पक्ष में या उनके विपक्ष में, विपरीत कोई कार्य या उनके जो उसमें वृद्धि करने वाले कोई कार्य, तो दोनों स्थितियों में व्यक्ति नैतिक रूप से भी सुखी और दुखी होता है। अगला जो स्रोत है वो बात करता है वह सामाजिक स्रोत की या भौतिक स्रोत की। तो समाज में, समाज के द्वारा आपने कोई अच्छा काम किया है तो समाज जब आपकी प्रशंसा करता है, ठीक है, एक पुरस्कार प्राइज आपको उससे कुछ मिल रहे हैं, अच्छी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, समाज के लोग आपको बधाइयां देते हैं, तो एक ऐसे काम होते हैं, तो यहाँ समाज आपके सुख का कारण बनता है। एक कोई ऐसा काम है जिससे मान लीजिए समाज उसकी आलोचना कर रहा है, बदनामी कर रहा है, समाज में आपको एक पनिशमेंट यदि किसी व्यक्ति को मिला है तो वो दुख का कारण बनता है जब उसकी आलोचना की जाती है। तो समाज भी, जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां से मिलने वाले पुरस्कार या दंड हैं, वो भी सुख और दुख के एक बहुत बड़े कारक होते हैं। ठीक है ना, बहुत सी चीजें हैं कि व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उसे आनंद की प्राप्ति है, लेकिन सामाजिक रूप से उसको लगता है कि समाज उस चीज को स्वीकार नहीं करेगा या समाज है वो दंडित उसको करेगा, तो ऐसी आप देखते हैं कि वहां सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए व्यक्ति अपने निर्णय लेता है। तो सामाजिक स्रोत, समाज भी एक बहुत बड़ा
स्रोत है, भौतिक जो स्रोत है ये भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। उन चीज़ों से आपको जो लौकिक जिसको आप कहते हैं, वो भौतिक के बजाय आप इसको लौकिक समझिए, आप इसको, है ना, लौकिक जो है, इस लोक में रहते हुए आप लोगों की आलोचनाएं, लोगों के जो प्रशंसा है वो भी आपको सुख और दुख का कारण बनती है। अगली जो बात बेंथम कहता है, एक विशेष रूप से वो बेंथम बताता है धार्मिक, ठीक है ना, कि धर्म के अनुसार भी आपको सुख और दुख, यदि आप धर्म के जो धर्म निर्धारित धर्म है, धर्म शास्त्र में जो लिखा हुआ है, जो आपको ज्ञात है, तो उनके अनुसार आप यदि उनके अनुकूल कार्य कर रहे हैं, उनके प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं, तो उनके अनुसार भी व्यक्ति को सुख और दुख की अनुभूति होती है, उसे सुख और दुख मिलता है। तो ये कुछ चीजें ये बेंथम बताता है उपयोगितावाद के स्रोत, ठीक है। तो आप इनको, ये प्रश्न अलग से भी आ सकता है कई बार, और दो नंबर का प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं कि बेंथम द्वारा वर्णित उपयोगितावाद के कोई दो स्रोत या कोई दो चार स्रोत आपसे पूछ ले, तो आप उस दृष्टिकोण से इनको अलग अलग भी तैयार कर सकते हैं। क्लियर है चीज। तो एक उसने उपयोगितावादी सिद्धांत के अंतर्गत सुख और दुख के स्रोत बताए। अगली जो बात कहता है बेंथम उपयोगितावाद में, वह बेंथम बताता है कि सुख मात्रात्मक रूप से वो स्वीकार करता है, न कि गुणात्मक। वह सुखों का जो आधार है वो क्या स्वीकार कर रहा है, मात्रात्मक। वो कह रहा है कि हमें सुखों सुख बेंथम का मानना है कि जो सुख होते हैं वो कम या ज्यादा होते हैं मात्रा के आधार पर, न कि गुणात्मकता के आधार पर कि ये सुख सही है ये गलत है। वो कह रहा है कि यदि ये हम आधार बनाए तो फिर आपकी उपयोगिता का जो आधार है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका ये मानना है कि मात्रा है, सुख की मात्रा है, वही उपयोगिता का वास्तविक मापदंड है, ठीक है ना। उपयोगितावादी सिद्धांत में जो उसने पैमाना माना है, वो पैमाना उसने क्या माना है, सुखों की मात्रा, न कि गुणात्मकता, ठीक है ना। उसकी मतलब क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, न कि क्वालिटी। वो कह रहे हैं क्वालिटी के आधार पे हम सुखों में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, और ना हमें करना है। बेंथम के अनुसार बेंथम कहता है कि हमें केवल सुख ये देखना है कि किसी भी कार्य को करने से, किसी भी घटना के होने से, या जो भी आप कोई है उसमें आपको सुख की मात्रा कम मिल रही है या ज्यादा। ये कह रहे हैं कि तुलना का केवल बस यही एक आधार है, ठीक है ना। तो वो इसी को केवल स्वीकार करता है। तो नेक्स्ट आप जो एक बिंदु इसमें लिखेंगे वो यही लिखेंगे कि बेंथम के अनुसार जो सुख है उनमें मात्रात्मक केवल भेद को स्वीकार किया गया है, गुणात्मक भेद को स्वीकार नहीं करता है। और इसमें आपने उसकी एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति जो बेंथम की आती है, जो बेंथम कहता है कि यदि मात्रा में समान हो, ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि यदि मात्रा समान हो दो कार्यों की, मान लीजिए एक्स कार्य और वाई कार्य, इन दोनों में यदि सुख की मात्रा बिल्कुल समान मिल रही है, तो ये कह रहा है कि यदि दोनों में समान है तो फिर हम इनमें से किसी भी कार्य को श्रेष्ठ नहीं बता सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वाई श्रेष्ठ है एक्स, यदि दोनों में मात्राएं समान है चाहे वो कार्य कोई सो भी हो। और उसके लिए वो एक एग्जाम्पल देता है कि यदि एक बच्चों का खेल है पुष्पिन, ठीक है, ये कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि वाक्य किसका है, तो पुष्पिन जो एक बच्चों का खेल है, और एक जो मान लीजिए अपन कहें कि एक गंभीर जो काव्य पाठ हो रहा है, कविता पाठ हो रहा है, तो काव्य पाठ यदि गुणात्मक दृष्टि से देखें तो बच्चों के खेल से अलग काव्य पाठ और कविता पाठ एक अलग गुणवान चीज है, जिसमें अलग अलग डिस्कशंस हो रहे हैं और हो रहे हैं, एक गंभीर विषयों के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, आनंद उसमें भी मिल रहा है व्यक्ति को काव्य पाठ में भी। तो लेकिन ये कहता है कि यदि पुष्पिन का खेल है उसकी मात्रा भी यदि इसके बराबर है, काव्य पाठ के बराबर है, तो दोनों बिल्कुल समान हैं, अर्थात सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ या कविता पाठ, ठीक है। तो दोनों में ये कह रहा है कि दोनों में कविता पाठ करने वाले को भी उतना ही आनंद आ रहा है और एक बच्चे को खेलने में उतना ही आनंद आ रहा है। तो ये कह रहा है कि इसका मतलब है कि हमारे लिए वो दोनों बिल्कुल बराबर है, उनमें कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये श्रेष्ठ है। तो बेंथम का ये मानना है कि सुख
का एकमात्र आधार है मात्रा। सुख की हमें केवल मात्रा देखनी है कि मात्रा कम है या ज्यादा है, उसी के आधार पे वो कह रहा है कि उपयोगितावाद के जो अनुसार राज्य कार्यों का संचालन करता है वो करेगा। ठीक है, तो एक इस आधार पर आप उपयोगितावाद का एक ये बिंदु आप स्पष्ट कर सकते हैं। अगली जो बात आती है बेंथम के उपयोगितावाद में, वह आती है बेंथम ने एक सुखवादी गणना यंत्र, सुखवादी गणना यंत्र वो बता रहा है, एक पद्धति उसने दी है। ठीक है ना, यहाँ पे पद्धति उसको कह सकते हैं, ये पद्धति इसलिए दी है उसने ताकि राज्यों को कानून बनाने में आसानी हो। ठीक है ना, वो मानता है कि जब कानून बनाए तो इस आधार पे जो कानून बनाने वाला है या जो व्यक्तिगत यदि आप हैं तो ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत आधार पे भी यदि आपको कार्यों में चयन करना है तो आपको बेस जो लेना है उसका जो मूल आधार लेना है वो ये लेना है कि किस कार्य में आपको सुख की प्राप्ति अधिक मिल रही है। और यदि सामूहिक बात होती है राज्य के लेवल पे होती है तो फिर वो कहता है कि इस आधार पे तुलना करके, इस आधार पे आप गणना करके और अधिकतम व्यक्तियों को जहां अधिकतम सुख मिल रहा है वो कार्य या वो कानून आप लागू कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए बेंथम ने एक पद्धति का आविष्कार किया है, वो पद्धति उसने बताई है कि किसी भी कार्य का जब आप मात्रात्मक रूप से उसका मानदंड निर्धारित करते हैं, जब आप उसका परिमाण ज्ञात करें तो ये कह रहा है कि उस समय आप इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो वो कहता है कि हमें इन 6-7 बिंदुओं के ऊपर आपको देखना पड़ेगा। वो कहता है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि किस कार्य में सुख की तीव्रता अधिक है। तीव्रता यदि अधिक है, ठीक है ना, तुरंत मिल रहा है, बड़ी फास्ट गति से आपको मिल रहा है सुख, और सुख ज्यादा जो मिल रहा है तो आप ये कह रहा है कि हमें ये देखनी है कि सुख की तीव्रता कम है या अधिक। तो इनको आप ये कह रहा है कि जिस भी घटना जिस भी कार्य करें आप उसमें देखते जाइए कि भाई जैसे मान लीजिए तुरंत खा रहे हैं तो खाते ही जो व्यक्ति के एक उसका मान लीजिए कि भोजन से उसकी भूख मिट गई तो तीव्रता, ठीक है ना, तेज, अब भूख तेज लग रही है तो उस समय भोजन की तीव्रता ज्यादा हो गई, जब भूख नहीं है उसके अलावा केवल खाना है तो उस स्थिति में उसकी तीव्रता कम हो गई। तो ये क्या हो गया, एक आधार मिल गया हमें कि हमें उस समय भोजन करना है या नहीं करना है, तो उस समय आप क्या देखेंगे कि उसकी तीव्रता कितनी। ठीक है, तो सुख का एक आधार तो बेंथम बताता है कि उसकी तीव्रता से मापना होगा। दूसरा वो कहता है कि सुख और दुख के लिए दूसरा जो बेस आपको देखना है जो मापते समय, वो इस आधार पे कि किस सुख की अवधि ज्यादा है और किसकी कम है। एक सुख ऐसा है कि जो लगातार 2-3 महीने आपको सुख देगा, एक ऐसा है जो मात्र आपको आधा घंटे देगा, 2 घंटे सुख दे सकता है। तो सुख का जब माप करें, सुख का जब आप मानदंड के अनुसार आप देखें तो उस स्थिति में आपको ये भी देखना है कि सुख की अवधि किस कार्य में ज्यादा है, तो अवधि आप उसमें देखें और उसके अनुसार उसका माप कर सकते हैं। अगली जो बात कहता है वो बात कहता है निश्चितता की। ये कह रहा है कि एक वो सुख होता है जिसमें निश्चित रूप से सुख मिलता है और सुख की निश्चितता है, एक जिसमें निश्चितता कम होती है। तो निश्चितता का कम होना और निश्चितता का ज्यादा होना, एक में केवल सुख मिल भी सकता है नहीं मिल सकता है, एक में है कि बिल्कुल सुख है वो मिलेगा 100% उसमें निश्चितता है, तो दोनों स्थितियों में ये माप का एक बड़ा आधार बन जाता है। अगली जो बात आती है वो आती है निकटता, कि सुख है वो अब मिलेगा या मान लीजिए दूरी जिसको आप कह सकते हैं कि वो सुख दूर है, एक सुख है वो एक कार्य करने से आपको 2 घंटे बाद में मिल रहा है या 2 दिन बाद में मिल रहा है, एक है आज कार्य करते हैं 2 साल बाद में मिल रहा है, 1 साल बाद में, तो कोई भी घटना जब या कोई भी कार्य करने से पूर्व है जब सुख मापी गणना यंत्र के अनुसार देखें कि सुख की प्राप्ति कितने समय अंतराल में सुख प्राप्त हो रहा है, तुरंत मिल रहा है, थोड़े दिन बाद में मिल रहा है, कुछ घंटों बाद मिल रहा है, तो इस आधार पर भी उसकी दूरी या निकटता के आधार पर उसका जो जब गणना की जाएगी तो वो काम में आएगा। अगला है उसकी उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब है जो फर्टिलिटी है कि एक ऐसा सुख है कि जो केवल स्वयं सुख है लेकिन उससे अन्य सुखों की उत्पत्ति नहीं हो रही है, एक ऐसा सुख है जिससे और कई सुख
उस कार्य की वजह से और सुख उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो उस सुख को हम कहते हैं कि वो सुख है, दूसरे सुख भी उसकी वजह से उत्पन्न हो रहे हैं, उस कार्य की वजह से जो कार्य कर रहे हैं उसमें मूल कार्य का सुख तो मिल ही रहा है, साथ ही अन्य सुख भी उससे और कई सुख हैं वो भी उत्पन्न होते हैं। तो सुखों में दूसरे सुखों को उत्पन्न करने की कैपेसिटी कितनी है ये भी देखी जाएगी, कि उत्पादकता के आधार पर भी कोई कार्य को आप जब जिस समय बेंथम के अनुसार जब गणना की जाए जब कार्य का, तो उस गणना में उसको भी शामिल किया जाएगा। और अगली जो बात आती है वो आती है विशुद्धता की, कितना प्योर सुख मिल रहा है। एक है जिसमें कार्य में मान लीजिए 20% सुख मिलता है कार्य कर रहे हैं अपन पूरा, और उस पूरे कार्य में केवल 20% सुख की प्राप्त होती है, एक में 80% हो रही है एक में, तो प्योरिटी भी देखी जाएगी कि किस तरह का सुख आपको उसमें प्राप्त हो रहा है। और इन सब के बाद में वो कहता है कि इन सब के आधार के बाद में एक विशेष आधार जो होगा वो होगा इनका विस्तार। विस्तार का मतलब है कि जब ये राज्य लेवल पर जब अपन बात करें, ठीक है ना, अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख वाली जब बात करते हैं, तो इन सुखों का विस्तार कितने लोगों तक हो रहा है, कितने लोग इससे सुखी हो रहे हैं, ठीक है ना, तो ये भी देखा जाएगा। और इन सब आधारों पर, ठीक है, जो भी कार्य करें उनका इन आधारों के ऊपर वो कहता है कि आप इनकी मात्रा को ज्ञात कर लीजिए, और अब जो परिमाण आएगा जो भी उसका माप निकलेगा उस माप के आधार पे आप कोई भी कार्य को अच्छा बुरा या उस कार्य को करना है या नहीं करना है ये डिसीजन आप ले सकते हैं। 2 या 3-5 कार्य यदि एक साथ हों तो आप उनमें निर्णय ले सकते हैं, उनकी तुलना आराम से कर सकते हैं। ये बेंथम का मानना था कि जो सुखवादी गणना यंत्र है, सुखवादी जो ये आनंद मापक यंत्र भी जिसको कहते हैं, इस यंत्र में इन बिंदुओं के आधार पर किसी भी कार्य का लेखा जोखा कर सकते हैं और तुलना की जा सकती है। तो ये है बेंथम का एक आनंद मापक यंत्र। और अंतिम जो बात इसमें आप एक बताएंगे वो ये बताएंगे कि बेंथम ने इस अपना जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में मुख्य रूप से इसको माना कि ये सिद्धांत केवल व्यक्तिगत कार्य करने के लिए नहीं है। ये सारे वो कह रहे कि उपयोगितावाद या सुखवादी सिद्धांत केवल व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि उसने इसको राज्य के स्तर पर भी लागू करने की बात वह कहता है। और उसका मानना है कि राज्य जब भी कोई कार्य करता है, स्पेशली जो राज्य का कार्य है, वो उसने माना कि राज्य जब कानून का निर्माण करता है, विधि का निर्माण करता है, तो उस समय उसको इस उपयोगितावादी सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। और वो कहता है कि कानून के निर्माण का एकमात्र आधार है वो यही होना चाहिए, उपयोगितावाद अर्थात अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये उसका बेस होना चाहिए कि अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिले, वही बहुमत की बात यहाँ पर आ जाती है, ठीक है ना। तो ये एक लोक कल्याणकारी, आप देखेंगे कि जो बेंथम का सिद्धांत है ये आगे चलकर जो आज जो वर्तमान में जो सरकारें हैं, जो शुरू में आपने देखा कि पहले पुलिस स्टेट हुआ करते थे कि केवल आंतरिक सुरक्षा और बाह्य आक्रमणों से रक्षा, यही जिम्मेदारी कुछ विचारधाराओं ने दी थी। उसके बाद में सामान्य जो कामकाज थे वहां तक राज्य की जिम्मेदारी थी, लेकिन वर्तमान में जो राज्यों का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी जो स्वरूप है वर्तमान लोकतांत्रिक राष्ट्रों में जो आपको दिखाई दे रहा है, उनके बेस या उनका जो आधार है वो कहीं ना कहीं बेंथम जैसे उपयोगितावादी विचारकों के सिद्धांतों से निकला है, ठीक है। तो बेंथम कहता है कि उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है वह किसी भी राज्य को अपने विधि निर्माण या कानून निर्माण के समय काम में लेने की आवश्यकता है, और इसमें यह उपयोगी साबित होगा। तो इस तरीके से बेंथम ने केवल काल्पनिक नहीं बल्कि अपनी तरफ से ये आनंद मापक यंत्र जैसों की एक वो की है, इनके सोर्सेज उसने बताए हैं कि सुख की दुख की प्राप्ति कहाँ से होती है, उनके उसने प्रकार बताए हैं कि ये सुख के प्रकार जो हमने पूर्व वीडियोस में देखे हैं कि सुख इन चीज़ों से, ये इतने प्रकार के सुख हैं, इतने प्रकार के दुख हैं, इन कारणों से सुख की उत्पत्ति होती है, इन कारणों से दुखों की उत्पत्ति होती है। तो इन सब के ऊपर उसने काफ़ी विस्तार से वर्णन किया और अपनी जो बातें हैं वो बताई, ठीक है।